तो नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस चैनल पर एक नई जानकारी के साथ इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि विवाह प्रमाण पत्र को किस तरह से बनवाया जा सकता है। एक बहुत ही आसान तरीके से आपको बताएंगे, आपकी दौड़ भाग बचेगी। दोस्तों, आप घर बैठे जो है किस तरह से उसको ऑनलाइन करेंगे और आपको किस तरह से पूरा प्रोसेस फॉलो करना है, जिससे आपका जो है मैरिज सर्टिफिकेट जो है बहुत जल्द से जल्द अप्रूव कर दिया जाए दोस्तों, और आपका जो है 10 से 5 में आपका मैरिज सर्टिफिकेट जो है बनके आपके हाथ में आ जाए। तो दोस्तों, इसी तरह की कुछ जानकारी के लिए वीडियो को बिना स्किप किए दोस्तों अंत तक देखिएगा। स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा प्रोसेस बताने की कोशिश करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन आपको जानकारी स्टेप बाय स्टेप इस तरह से मिलेगी दोस्तों, आपको दूसरे वीडियो पर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, जानकारी अगर पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, जानकारी को शुरू करते हैं। दोस्तों, चाहे आपने अरेंज मैरिज की हो या लव मैरिज की हो, आपको जो है मैरिज सर्टिफिकेट बनवाना अति आवश्यक है। लाइफ में कभी न कभी किसी न किसी मोड़ पर उसकी जो है आवश्यकता बहुत ज़्यादा पड़ ही जाती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको पूरा प्रोसेस बताते हैं। इसके लिए आपको जो है आपको IGRSUP लिखकर अपने ब्राउजर में टाइप करना होगा। तो यहाँ पर आपको पहले ही लिंक मिल जाता है, आपको इस वेबसाइट पर जाना होगा। तो यहाँ पर जैसे ही इस वेबसाइट पर जाते हैं, इसका होम पेज आपको दिख जाएगा। इस तरह से कुछ शो होता है यहाँ पर इस वेबसाइट का होम पेज। आपको यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर जो लिंक दिए गए हैं, इनमें आपको दिखाई देगा एक लिंक विवाह पंजीकरण। तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, एक आवेदन करें, दूसरा विवाह पंजीकरण सत्यापन। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको जो है अपने सर्टिफिकेट बनवा लिया है तो विवाह पंजीकरण सत्यापन पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर नया प्रोसेस बताएंगे आपको किस तरह से अप्लाई करना है। तो आवेदन करें पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको कुछ इस तरह का पेज शो हो जाएगा। तो यहाँ पर आप विवाह रजिस्ट्रेशन आवेदन पत्र दिशा निर्देश पढ़ लेंगे किस तरह से आपको अप्लाई करना है। और दोस्तों, आपको आवेदन करने के लिए नवीन आवेदन प्राप्त कर पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर नवीन आवेदन प्रपत्र पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको जो है डिटेल आपको फिल करनी है। तो यहाँ आप देख सकते हैं विवाह पंजीकरण हेतु आवेदन पत्र, यहाँ आपको 3 स्टेप में इसको जो है पूरा प्रोसेस करना होता है। सबसे पहले आपको पति का विवरण देना होगा, उसके बाद पत्नी का विवरण, उसके बाद यहाँ पर आपको जो है विवाह स्थल का चयन वगैरह, यहाँ पर गवाह वगैरह आपको। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले आपको वर का पूरा डिटेल यहाँ पर डालना होगा। तो वर का डिटेल यहाँ पर आप देख सकते हैं, पति के विवरण में यहाँ पर जो है नाम हिंदी में देना है वर का, और जो है इंग्लिश में यहाँ पर टाइप करना है। यहाँ पर माता का नाम हिंदी में, माता का नाम इंग्लिश में, उसके बाद पिता का नाम हिंदी में, पिता का नाम इंग्लिश में। इस तरह से अगर माता पिता दोनों अज्ञात स्थिति में है तो नीचे वाले ऑप्शन पर टिक करेंगे और अभिभावक की डिटेल यहाँ पर फिल करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, इसके बाद में आपका व्यवसाय जो है वो यहाँ पर फिल कर देंगे। उसके बाद विवाह के समय आपकी स्थिति क्या थी, अविवाहित थे या विवाहित थे, वो यहाँ पर देना है। उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, दोस्तों यहाँ पर 21 वर्ष से डेट ऑफ बर्थ आपकी अधिक होनी चाहिए। 21 वर्ष से नीचे अगर बर की डेट ऑफ बर्थ है तो दोस्तों एज है तो वहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। इसके बाद आपको जो है मोबाइल नंबर देना है, नीचे आने पर आपको जो है अपना सामान्य वर्तमान पता देना है। तो जहाँ भी आप निवास करते हैं, आपका अपना आधार कार्ड देख लेंगे या आपके पास निवास प्रमाण पत्र है उसमें आप देख के यहाँ पे डिटेल भर देंगे। उसके बाद में आप नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको जो है अपना लेटेस्ट फोटो यहाँ पर स्कैन करना है, मैक्सिमम 40 KB में JPEG फॉर्मेट में यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद नीचे अगर आपके पास आधार कार्ड है तो हाँ वाले ऑप्शन पर टिक करेंगे तो आधार कार्ड की डिटेल आपको फिल करनी है। अगर नहीं है तो यहाँ पर आपको 3 प्रूफ देने होंगे अलग अलग, या एक डेट ऑफ बर्थ के लिए, दूसरा एड्रेस के लिए, तीसरा आपको जो है निवास प्रमाण पत्र के तौर पर देना होगा। तो यहाँ पैन कार्ड आप दे सकते हैं, उसके बाद यहाँ पर आपको एड्रेस प्रूफ में एक देना होगा, उसके बाद आपको एज प्रूफ साबित करने के लिए एक एज प्रूफ देना होगा। तो यहाँ पर ये जो है डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं दोस्तों, मैक्सिमम 1 MB साइज होना चाहिए, PDF में 1 MB साइज से ऊपर नहीं स्कैन करना है। तो यहाँ पर इन सारी डिटेल को फिल करके आप जो है यहाँ पर सुरक्षित करें पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही अपलोड हो जाते हैं डॉक्यूमेंट्स फोटो, उसके बाद सुरक्षित करें पर क्लिक करेंगे। जब आप इस सुरक्षित करें पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने अगला पेज ओपन होता है, वहां पर आपको पत्नी का विवरण देना होता है। तो यहां पत्नी के विवरण में सेम वर के विवरण की तरह ही आपको पति के विवरण की तरह ही नाम हिंदी में, इंग्लिश में, माता का नाम हिंदी में, इंग्लिश में, पिता का नाम हिंदी में, इंग्लिश में, उसके बाद जो है विवाह पिता का नाम उसका इंग्लिश में, हिंदी में डाल देंगे। अभिभावक अगर अज्ञात हैं तो यहाँ पर टिक करेंगे, अगर नहीं है तो यहाँ पर जो है आगे प्रोसेस करेंगे। तो व्यवसाय यहाँ डाल देंगे,
करेंगे, विवाह के समय स्थिति डाल देंगे। यहाँ पर आप 18 वर्ष से जो वधू है या पत्नी है उसकी एज 18 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए बस। तो दोस्तों यहाँ पर एड्रेस वगैरह फिल करने के बाद यहाँ डॉक्यूमेंट अटैच करेंगे, फोटो जो है 40 KB से कम होना चाहिए साइज, और जो है डॉक्यूमेंट आप जो है आधार है तो आधार अपलोड, नहीं तो उसके बाद में। तो इस तरह से पूरा प्रोसेस करके आप अपलोड कर देंगे। उसके बाद में आपके सामने अगला पेज जो ओपन होता है वहाँ पर आपको जो है विवाह का स्थल यहाँ पर सिलेक्ट करना होता है। तो जिस भी जगह पर आपकी शादी हुई है दोस्तों, अगर आपकी अरेंज मैरिज हुई है तो जिस भी विलेज में या जहाँ भी आपका गेस्ट हाउस वगैरह में शादी हुई है वहाँ का एड्रेस यहाँ पर फिल करेंगे। अगर यहाँ पर आपने लव मैरिज की है तो कोर्ट वगैरह जहाँ भी की है वहाँ पर आपको इसका एड्रेस जो है फिल कर देना है। तो यहाँ पर जब ये डिटेल आप फिल कर देते हैं उसके बाद विवाह का दिनांक वगैरह यहाँ डालना है आपको। अब ये सब डिटेल फिल कर देते हैं तो उसके बाद में आपका सत्यापन कहाँ कराना है वो आपको कार्यालय से सेलेक्ट करना होता है जहाँ से आपको सर्टिफिकेट जो है अप्रूव कराना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप नज़दीकी अपना रजिस्ट्रार ऑफिस सेलेक्ट कर लेंगे जो कि नज़दीकी तहसील कार्यालय में होता है, वहाँ पर आप जो उसको अपने ज़िले के आपकी जो तहसील लगती है उसको सेलेक्ट कर लीजिए। वहाँ पर आपको एक दिन ये सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर जो अपलोड किए हैं और स्कैन करके इनको वहाँ पर ले जाना है, प्रमाणित कर जो है सत्यापन करवा लेना है। तो दोस्तों आगे इसका प्रोसेस बताते हैं। तो यहाँ पर आपको जो है दोनों पक्षों से एक एक गवाह यहाँ पर आपको उसकी डिटेल फिल करनी होगी। तो यहाँ पर आप वर पक्ष से एक व्यक्ति को ले सकते हैं और एक वधू पक्ष से एक व्यक्ति को ले सकते हैं। उसके बाद उनकी जो डिटेल फिल करने के बाद यहाँ पर उनके डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे। अब आपको जो है इस पूरे जो आपने फॉर्म फिल किया है उसका आपको यहाँ पर प्रीव्यू शो किया जाता है। तो यहाँ पर आप अपना प्रीव्यू देख लेंगे कि आपने कोई भी यहाँ पर फॉर्म भरते समय जो है कोई एरर तो नहीं की है, कोई मिस्टेक तो नहीं की है। अगर आपने कोई मिस्टेक की है दोस्तों तो आप उसको जो है यहाँ पर प्रीव्यू में देखकर आप जो है उसका संशोधन वाले ऑप्शन पे जाके यहाँ बीच में आपको संशोधन का ऑप्शन मिल जाता है, वहाँ से संशोधित कर सकते हैं। नीचे आपको प्रमाण पत्र का प्रारूप देखने को मिलेगा इंग्लिश में, हिंदी में। अगर आपने कोई भी फॉल्ट नहीं किया है तो यहाँ दोस्तों आप जो है यहाँ पर नीचे घोषणा पत्र पर जो है इसको टिक करेंगे। उसके बाद में जो है आप शर्त नियम शर्तें जो है उस पर टिक करने के बाद में पूर्ण सुरक्षित पर क्लिक करेंगे। तो पूर्ण सुरक्षित करने पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो नीचे आपको जो है डॉट ऑप्शन मिलता है, एक पूरा डाटा सबमिट होने के बाद यहाँ पर आपको पेमेंट का ऑप्शन मिलता है। तो आपका जो है पूर्ण सुरक्षित करने पर आपने क्लिक कर दिया, उसके बाद ये इन्फॉर्मेशन है पूरी आपकी अपलोड हो गई। उसके बाद आपकी एक आवेदन संख्या जनरेट हो जाती है, एक आपका पासवर्ड आपको मिल जाता है। इस यूजर आईडी पासवर्ड को आपको संभाल के नोट कर लेना है। इसका जो है यूज आप जो है आगे लॉगिन करके अपना स्टेटस वगैरह देखने में, प्रमाण पत्र डाउनलोड करने में आपको जो है काम में आएगा। तो यहाँ मेन वेबसाइट पर आएंगे, आवेदन करने वाले ऑप्शन पर जाएंगे, यहाँ आपको आप देख सकते हैं प्रयोक्ता लॉगिन, इस ऑप्शन में यहाँ पर इस आवेदन संख्या को डालेंगे या पासवर्ड डालेंगे। तो इस तरह से यहां से लॉगिन करके अपना स्टेटस वगैरह आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये आपका जो है फाइनल लॉक हो गया है। अब इसके बाद में आपको भुगतान करना होगा, जो भी इसका शुल्क होता है उसको यहां से आपको जो है भुगतान करना होता है। यहाँ पर कुछ जानकारी दी गई है वो आप देख सकते हैं दोस्तों। कृपया अपना पासवर्ड यूजर आईडी आपको जो है बिल्कुल संभाल के रख लेना है। तो यहाँ पर ऑनलाइन भुगतान आपको करना है, आपका ट्रांजैक्शन आईडी वगैरह यहाँ शो हो जाता है। मात्र आपको 10 रुपये का यहाँ से पेमेंट करना होता है। तो 10 रुपये का पेमेंट जो कि सरकारी पेमेंट होता है आप यहां से कर देंगे, उसके बाद में आपका जो है फाइनल प्रिंट आउट निकल आएगा, वो प्रिंट आउट आपको संभाल के रख लेना है। और सारे डॉक्यूमेंट आधार कार्ड वर एवं वधू की फोटो वगैरह जो भी डिटेल आपने यहां पर अपलोड की है उनका जो है निवास प्रमाण पत्र वगैरह यहां से गवाहों को दोनों को लेकर ये सारी डिटेल आपको जो है लेकर एक दिन जो आपका 30 दिनों के अंदर किसी भी दिन जाके आपको रजिस्ट्रार ऑफिस में वहां से आपको सत्यापन करा लेना है। तो वहां से जैसे ही आपका सत्यापन कर दिया जाता है फिर आपका प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाता है। वैसे तो प्रमाण पत्र तुरंत ही दे दिया जाता है, अगर नहीं तुरंत दिया जाता है आपको तो यहाँ पर सत्यापन करने वाले ऑप्शन पर आएंगे। यहाँ पर आपको आवेदन संख्या डालनी है, जो भी डेट में आपने विवाह हुआ है आपका वो पंजीकरण डिटेल डालेंगे। फिर उसके बाद में जैसे सर्टिफिकेट बनता है तो यहाँ आप नीचे देख सकते हैं डिटेल आपकी शो कर दी जाती है। तो प्रमाण पत्र यहाँ हिंदी और इंग्लिश दोनों फॉर्मेट में यहाँ पर शो किया जाता है, आप जिस भी फॉर्मेट में चाहें यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो हिंदी फॉर्मेट में कुछ इस तरह से आपका सर्टिफिकेट यहाँ पर आता है, नीचे प्रिंट का ऑप्शन आ जाता है, वहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। और इंग्लिश फॉर्मेट में आप यहां से डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहां से इस तरह से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरह से आप जो है 30 दिनों के भीतर दोस्तों आपका हो सकता है 10 से 15 दिन 5 दिन में आप जैसे भी चाहें उसको जो है जल्दी से जल्द अप्लाई करके अप्रूव करा के आपका जो सर्टिफिकेट एक ही दिन में तैयार कर दिया जाता है। तो दोस्तों जानकारी कैसी लगी आप हमें जरूर बताइए। मिलते हैं एक नई वीडियो में।